सो कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि यार अपने व्यूअर्स जो है ना वो न्यू न्यू गेम प्ले सीरीज पर यार ज्यादा फोकस दे रहे हैं, मतलब ज्यादा व्यूज आ रहे हैं यार, तो ज्यादा पसंद भी आ रहे होंगे लोगों को. तो जिनमें से यार मैं एक गेम पिकअप कर लेता हूँ जिस गेम का यार नाम द न्यू आर मिस्टीरियस है, और मुझे लिटरली इतना मजा आया इस गेम को खेल कर यार. तो अगर आप लोग भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन जाके डाउनलोड कर देना. तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं. यो व्हाट्सअप गेमर, कैसे हो आप लोग? आई होप सब बड़े होंगे. तो आगे एक और न्यू गेम प्ले सीरीज लेकर जिस गेम का नाम द न्यू आर मिस्टीरियस है, और इसमें हम लोगों को बहुत ही हाइड हाइड टाइप का पजल टाइप सॉल्व कर गेम को आगे कंटिन्यू करना है. तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं. तो अभी कोई ऑफिसर लेब में आए थे और उनको कुछ ऐसे टाइप का गिर गया और वो पूरा जलकर राख हो गए हैं. उसके ऊपर एक बटरफ्लाई आके बैठ चुकी है जो कि मुझे नहीं लगता कि गेम के अंदर क्या कंटिन्यू करने वाली है. लेकिन इधर एक चाइल्ड कुछ पेंटिंग टाइप का बना रहा है, तो मुझे लगता है शायद दोनों का बटरफ्लाई सेम ही होगा. तो देखते हैं इस बटर, ये भी गाइस सेम, ये दोनों बटरफ्लाई सेम है. तो देखते हैं कि क्या बताने वाला है इससे, मतलब क्या होगा. शायद ये चाइल्ड जो बटरफ्लाई बनाता है, मतलब जो कुछ बनाता है उसका अपोजिट कुछ हो जाता है, कुछ हादसा हो या फिर कुछ. तो इन सब बातों को छोड़ते हैं क्योंकि अब हमारी एंट्री हो रही है इस लेब में, बिकॉज अब सारे के सारे पजल हम ही को सॉल्व करने रहेंगे. तो चलो गेम को स्टार्ट करते हैं गाइज. सो अपना कुछ सामने कुछ ट्यूटोरियल इस साइड का है, तो यहाँ पर कुछ मीनिंग टाइप से. तो देखते हैं कि यहाँ पर हमको क्या क्या मिलने वाले थे. शायद एक बटन है जिसको बता रहा है कुछ लॉक वॉक से खोला जाएगा. तो चलते हैं उस पहले लॉक को ढूंढते हैं कि लॉक कहाँ पर है. अभी थोड़े बहुत हिंट बता रहा है यूज़ कर लो, तो शायद इस साइड में होगा लॉक वॉक. तो इधर अपना एक कैंची टाइप का कुछ मिल गया है, और इधर कुछ बुक्स वुक्स हैं जिनको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा नोट करने में. और इधर कुछ एक पजल भी है, तो मुझे नहीं लगता भाई कैसे सॉल्व होने वाला है. लेकिन इधर देखते हैं साहब कैंची इधर यूज हो चुकी है. तो इधर से शायद एक वायर को काटना है, तो वायर अपने पास आ चुकी है. और अब चलते हैं गाइस गेट को ओपन करने, साथ इसी से खुल जाने वाला है गेट. तो यहाँ पर भी वायर फिक्स कर देते हैं और एक गेट शायद ओपन हो चुका है. सो अब गेट के अंदर एंटर होते हैं. ऑप्शन वही बता रहे हैं, इधर कोई एक अंकल जी हैं, उनसे भी थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं. तो अंकल से तो पूरी बातें हो चुकी है और बता रहे हैं बहुत ज़्यादा यहाँ पर मास्टर माफियाज लोग बैठे हुए हैं, तो सतर्क होकर अपना काम करना, और हमको टास्क देकर यहाँ से चले गए हैं. तो अपना पहले टास्क वास्क कम्प्लीट कर लेते हैं, जो अपने सामने चारों तरफ कलेक्टिंग कलेक्ट का कुछ ऑप्शन है वो सब पूरा कलेक्ट कर लेते हैं. तो इधर से भी मुझे कुछ मिल चुका है. सो और देखते हैं कि मुझे यहाँ पर क्या क्या मिलने वाला है. शायद यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर कुछ टर्न ऑन का ऑप्शन दे रहा है, तो कुछ मुझको टर्न ऑन करना पड़ेगा जिससे कुछ घूम जाएगा. और वो एसिड है जो ऑफिसर जले थे अपने ट्रेलर में. तो ये भी सब कुछ पजल अपने आगे पीछे रहेगा. इधर थोड़े बहुत बुलेट्स पड़े हैं, यहाँ पर मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, बट अपने पास सामान है. देखते हैं कि क्या मिलेगा भाई. इधर से तो एक मुझे बटरफ्लाई मिल चुके हैं, जो कि स्टार्टिंग में पेंटिंग के मतलब एसिड के बगल में बैठी थी, लेकिन अभी इधर है शायद ब्रेड के पास. इधर एक गेट दिख रहा है, शायद इसी के अंदर आपको हमको इंटर होना है. यहाँ का सारा पजल सॉल्व हो चुका है, वो कि बहुत नॉर्मल था, बट अभी जो आगे आने वाला है ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्डली यार पजल्स हैं. तो अगर आप लोगों को मज़ा आ रहा है इस गेम में, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना. सो अब देखते हैं कि यहाँ इस रूम से मुझको क्या क्या मिलने वाला है. सो इधर एक लॉक पिक है जो कि गाइज यार लॉक से खुलने वाला है. तो इसको तो पूरा इग्नोर मारो, और कुछ ढूंढते हैं जिसके जो मुझे काम आ जाए. ये सब तो नॉर्मल चीज़ें हैं, मिल जाते हैं. बट इस साइड में एक गेट है, तो गेट के अंदर चलते हैं. इधर भी एक अंकल ही बैठे हैं, सो इनसे थोड़ी बहुत चलते हैं, बातें कर देते हैं, उसके बाद फिर गेम को कंटिन्यू करते हैं. तो इन्होंने मुझे पगल वाले पजल को सॉल्व करने के लिए कहा है, तो अभी तो सब कुछ बता रहा है, बट आगे से कुछ नहीं बताने वाला है, जो कि मुझे सब कुछ अकेले ही करना पड़ेगा. तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या. इधर एक की पड़ी है जो कि मुझे अब यहाँ से पिकअप करनी होगी. तो इधर एक लॉक पिक है जो कि शायद बहुत ही हार्डली है, तो इसको भी पहले इसका पहले पूरा बैनर ढूंढना पड़ेगा, उसके बाद पासवर्ड भी ढूंढना पड़ेगा, जिसके बाद एक खुलने वाला है. इधर भी एक की ही मांग रहा है, चारों तरफ गाइस की ही लगने वाले हैं, तो ढूंढना पड़ेगा. इधर भी एक की पड़ी है, बट अभी मैं पिकअप नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मुझे दिख नहीं रहा है, शायद अभी आगे दिखने वाला है, क्योंकि मैं वॉइस ओवर बाद में करता हूँ और वीडियो पहले रिकॉर्ड कर लेता हूँ, गजब भेज देती है कि नहीं. तो इधर शायद मुझे कुछ मिल चुका है, एक क्रोबार या फिर कुछ कैंची टाइप की है. तो देखते हैं कि अभी क्या क्या मिलने वाला है इस जगह पे. सो अभी तो यार गाइस वहाँ पे सारे लूट हो चुके हैं और कुछ मिल नहीं रहा है खास, जिसके कारण यार मुझे पता नहीं चल रहा है. उधर एक लिखा है टर्न ऑफ अलार्म सिस्टम, मतलब कि 15082 पासवर्ड है, जिससे गाइस यार ये ओपन हो जाएगा और अलार्म बंद हो जाएंगे. तो अभी भी इसको बंद कर देते हैं, लेकिन फिर देन इसके बाद यहाँ पर चलते हैं. और अब मुझे दिख चुका है ये, सो अब इसको कट कर देते हैं. और शायद चाबी अंदर थी, ये बात है ना, शायद चाबी अंदर थी तभी मुझे जाके मिला है अभी. सो अब चलते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं.
पहली चाबी लग गई, दूसरी से नहीं खुली, तीसरी से गाइस खुल जानी चाहिए। और ये लो ओपी खुल गई, यहाँ से भी मुझे एक मास्टर की मिल चुकी है जो कि यहाँ पर यूज होने वाली है। और इसी तरह एक मुझे और मास्टर की ढूंढना पड़ेगा, जैसे ये पूरा लॉक पिक खुल जाएगा और अपना काम देन हो जाएगा। सो उधर तो पूरा पजल सॉल्व हो गया, बस इस साइड में बस वाटर डालना है और ये फिर हीट करने लगेगा, जिससे अपने को कुछ शायद मिलने वाला है। इधर एक पासवर्ड है 241, मतलब यही इस पर फिक्स करना पड़ेगा। बट उससे पहले मुझे भी एक मास्टर की ढूंढना पड़ेगा, और इधर कुछ ऐसा टाइप है। और ये लो गाइस मिल चुका है अपने को एक मास्टर की, तो ले चाल के यहाँ पर फिट कर देते हैं। देन उसके बाद इसका पासवर्ड भी पूरा फिल करके इसको भी ओपन कर लेते हैं। इधर 241 दिखा रहा है, तो इधर इधर 2 को फिक्स कर देते हैं, और शायद इधर 4 और 1 दिखा रहा है, तो इसको वो इसको 2 पर और इसको 4 पर और इसको गाइस 1 पर फिक्स कर देते हैं। और देन अपना यार गाइस इतना बड़ा लॉकर खुल चुका है, और यहाँ से मुझे मिलता क्या है, एक बस हुड्डा टाइप कुछ पेंटिंग है या कुछ क्या है, वो तो अभी आगे यूज होने वाला है, बट लगता है कुछ रेयर या आइटम है, तो चलकर इसको पहले फिक्स करते हैं। और इस साइड में अपना बल्ब कुछ टाइप है, जिसका पासवर्ड तो शायद 15082 था, तो शायद जब बल्ब मिलेगा, मुझे बोल रहा है आई नीड वन बल्ब, तो जब मुझे बल्ब मिलने वाला है तभी ये हो जाएगा। और इधर लाके पेंटिंग मैंने वो रख दिया, और अब इसके पजल को भी सॉल्व कर देते हैं पूरा, जो कि मुझे बुक में दिख रहा है पूरा का पूरा, स्टार्टिंग में मुझे दिखाया गया था, जो कि मैं अभी भी देख लेता हूँ एक बार। तो ये शायद ये इसी को पूरा फिल करना रहेगा सेम सेम, तो इसमें बहुत ही ज़्यादा डीपली सोचना पड़ता है, तब जाके पूरा पजल सॉल्व होता है। तो देन अपना प्यार पजल तो सॉल्व हो चुका है, तो अब देखते हैं यहाँ से कोई रास्ता खुलने वाला है, या फिर कोई डोर, या फिर कोई रियर आइटम मुझे मिलने वाला है। तो इधर से गाइस यार नीचे जाने का रास्ता ही पूरा खुल गया है, तो अब इसके अंदर देखते हैं कि कैसे इंटर होना है, फिर क्या करना है, उसके बाद पता चलेगा। ये तो बता रहे मुझे यहाँ पर एक टॉर्च चाहिए, जिससे भाई रोशनी होगी अंदर, फिर अंदर देन जा सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। इधर अभी अपना लॉक पिक भी इधर से नहीं खुला है, तो एक हिंट ले लेते हैं, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। तो हिंट तो बता रहा है इधर से पूरा, मतलब जो पाइप वाइप होती है उसको अंदर डालना रहेगा, शायद यही पकड़ के हम लोग नीचे जाने वाले हैं। तो देखते हैं कि गाइस क्या होगा। तो अभी तो यार अंदर नहीं बता रहा है, बोल रहा है फिर से एक टॉर्च लेकर आओ, फिर देन उसके बाद अंदर इंटर करो। तो देखते हैं कि यार मुझे टॉर्च कहाँ पर मिलने वाला है। तो इधर साइड में पूरा तो शायद पजल अपना सॉल्व नहीं हुआ है, कहीं तो टॉर्च पड़ा ही होगा। तो ये रहा गाइस टॉर्च अपना, गाइस यार इस साइड में टॉर्च पड़ा, इधर एक ब्लेड भी मिल गया, तो देखते हैं ब्लेड का क्या यूज है। और फिर ये बता रहा है आई नीड आर टू फाउंड अ न्यू बैटरी, तो मुझे कहीं से एक बैटरी भी लानी पड़ेगी, जिसको लगाकर देन अपना टॉर्च शायद ऑन हो चुकी है। तो इधर एक लग चुका है गाइस यार अपना ब्लेड, और इधर से मुझे मिल चुका है एक ब्रूश। तो देखते हैं इस ब्रूश का कहाँ पर यूज होने वाला है, क्योंकि यार क्या क्या गाइस इसमें सोचना पड़ता है। शायद देखते हैं ब्रूस यहाँ पर यूज हो जाए, बट यहाँ पर नहीं यूज होता है, यहाँ पर किसी के बारे में कुछ पेपर में लिखा हुआ है, शायद वही जो आए थे ऑफिसर उन्हीं के बारे में लिखा है। तो देखते हैं क्या जा रहा है ब्रूस कहाँ पर यूज होने वाला है। और जैसे मुझे एक की भी मिल चुकी है, वाओ, मतलब क्या 4-5 बार इसको तो खोल ही चुके होंगे, लेकिन तब यार ये गाइस की नहीं दिखी, लेकिन अब ये की दिख चुकी है। तो अब देखते हैं कि गाइस ये कहाँ यूज होने वाला है, शायद यहीं पे यूज होगा जो अभी फोकस कर रहा था, चलते हैं इसी पे फोकस करके देखते हैं ये कि शायद यहीं पे यूज हो जाए। और लो देन लो गुम हो गया, यहीं पे गाइस ये इसकी को यूज होने वाला था। तो अब देखते हैं कि गाइस बैटरी कहाँ पर पड़ी है, देखते हैं ब्रूस शायद यहाँ पर यूज हो जाए, लो गाइस ब्रूस भी यहीं पर यूज हो चुकी है। और मुझे एक मिल चुकी है गाइस, वो देखो सामने एक टॉर्च की बैटरी पड़ी है, तो इसको गाइस पिकअप कर लेते हैं, और शायद यही अब टॉर्च में लगने वाली है, तो चलकर इसको टॉर्च में फिट कर देते हैं और अपना काम हो जाएगा, फिर देन उसके बाद नीचे भी चलेंगे। और यहाँ से मुझे 2 मटेरियल मिल चुके हैं, तो बहुत ही ओपी है, शायद यहाँ पर भी अभी कुछ लगने वाला है पावर ऑवर के लिए। तो अब चलते हैं टॉर्च पे फोकस करते हैं, और टॉर्च में एक न्यू बैटरी फिट कर देते हैं। तो टॉर्च को तो ओपन कर लिया, और जिसका पुराना सेल मैंने नीचे निकाल कर फेंक दिया, और अब न्यू टॉर्च मतलब न्यू सेल इसके अंदर भर देते हैं। और देन उसके बाद देख लो बुम, अब गाइस यार इसके अंदर रोशनी आ चुकी है, तो अब चलते हैं ये गाइस यार अपने अंदर इसके डाल देते हैं। और लो गाइस बुम, इसके अंदर रोशनी हो गई और कुछ ट्रेलर टाइप चलने लगा है। तो गाइस चलते हैं अब एकदम नीचे टॉप पर, और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है, शायद ऊपर कुछ यार क्रेक होने वाला है गाइस, ये ज़्यादा वेट हो गया। और लो गाइस अपना ऊपर जाना यार गाइस परमानेंटली बैन हो चुका है, और अब देखते हैं कि गाइस कैसे हम लोग ऊपर जा सकते हैं। बट अभी इधर जो फिलहाल पजल हैं उसको सॉल्व कर लेते हैं। यार एक बोतल थी जिसको मुझे फोड़ कर इधर रखना था, शायद इस बोतल से क्या काम होने वाला है। और अगल बगल गाइस टास्क पड़े हैं जिसको भी कंप्लीट करना, शायद बोतल इधर यूज होने वाला है रस्सी कट करने के लिए। तो इधर पे ही गाइस रस्सी वस्सी काट लेते हैं, शायद मुझे कहीं काम आने वाला है या फिर कुछ हो जाए। शायद इधर से एक कुरुवार उठाना था इस रस्सी की मदद से, जिसको गाइस कुरुवार से मुझे क्या करना होगा, शायद कहीं डोर और ओपन करना होगा या कुछ ओपन करना होगा। तो देखते हैं कि गाइस शायद यही कुरुवार से अपना ओपन हो जाए। सो लो न्यू डोर गाइस, यार न्यू डोर अपना ओपन हो चुका है,
तो अब इसके अंदर इंटर करते हैं, शायद कोई लिफ्ट उठे कि यार क्या है यार यहाँ से कैसे ओपन होने वाला है। तो इधर भी जो कुछ है मटेरियल वो भी पूरा कलेक्ट कर लेते हैं। उधर भी एक बहुत ही हार्डली गाइस पजल है जिसको पहले मुझे कुछ ला के यहाँ पर फिक्स करके देन उसके बाद इसको ठीक करना है। उधर एक लीवर है उसको भी एक्टिवेट कर देते हैं और अपने लिए न्यू रास्ता गाइस ओपन हो चुका है। तो अब इसके अंदर इंटर होते हैं और यहाँ पर तो गाइस पूरा यार सिटी पूरा बस चुका है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर बोल रहा है कुछ हैंड टाइप का लाओ उसके बाद कट करो, और यहाँ पर भी मिसिंग बता रहा है। तो क्या होने वाला है, इधर भी एक यार कटर है जिसके कारण यार अपना कुछ चल नहीं रहा है। सो इसको भी हटाना रहेगा यहाँ से, एक मतलब जो पत्थर है इसको पत्थर को यहाँ से हटाएं ताकि कुछ खुले जिससे हम लोग आगे पीछे जा सकें। तो कटर तो गाइस यार मुझे यहाँ पर कहीं नहीं दिख रहा है, अगर आप लोगों को दिख रहा है तो यार कमेंट में ज़रूर बताना। सो इधर एक कुछ पेंटिंग है शायद, वो भी पेंटिंग लेकिन कटर मुझे देन दिख चुका है। तो अब ले चलकर वहाँ पर फिक्स कर देते हैं, शायद ये पेंटिंग कैसे निकलेगी। अगर मुझे कहीं प्लास व्लास मिल जाए जिससे ये नेट खुल जाए देन उसके बाद फिट हो जाएगा। इधर एक मैप है जिसको भाई अभी हाफ फिट है, तो इसको भी पूरा फिट करने के बाद मुझे देखते हैं कि यहाँ से क्या मिलने वाला है। तो अब कटर को जो लाए हैं हम लोग, इसे भाई इस पत्थर को हटा देते हैं और अब देखते हैं कि क्या होने वाला है। इधर से भी एक गाइस न्यू रास्ता खुल चुका है जो कि अभी बिल्ड हो रहा है, बट अब फाइनली बिल्ड हो चुका है, बट रास्ता कहाँ से अभी नज़र नहीं आ रहा है। बट शायद से अब पजल को गाइस सॉल्व करने का समय आ चुका है, क्योंकि यार वो बहुत ही हार्डली पजल है तो कुछ ज़्यादा ही टाइम होने वाला है। तो मैं पूरा कट कर दूंगा और आप लोग अगर पजल ये सॉल्व करने वाले हो तो स्क्रीन शॉट ले लेना और देन बाद में आप लोग इस पजल को सॉल्व कर सकते हो। तो गाइस मेरा तो ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आप लोग भी ट्राई करोगे तो यार एक बार स्क्रीन शॉट प्लीज़ ले लेना। और मेरा तो पूरा पजल गाइस यहाँ से हो चुका है। यहाँ से मुझे कोई वॉच है या फिर कोई ये कि ये मुझे नहीं लगता कि गाइस इससे क्या होने वाला है, बट अब ध्यान अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या इससे क्या होने वाला है। तो चलो अब अंदर इंटर हो लेते हैं। तो देखते हैं कि गाइस यार यहाँ से न्यू डोर कैसे ओपन हो रहा है। ये सब भी यहाँ पर नहीं लग रहा है, कुछ आइटम भी यहाँ पर यूज़ नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, शायद यहाँ पर यूज़ हो जाए, बट यहाँ पर भी यूज़ नहीं हो रहे हैं वो आइटम। तो यार न्यू रास्ता तो यार मिलना ही चाहिए, बट सामने से शायद मुझे कोई एक रास्ता, ये रोशनी वोशनी आ रही है, शायद यहाँ पर कुछ हो। बट इधर एक ये है तो देखते हैं अगर इससे कटर हो जाए, अगर नहीं कट हो रहा है तो चलते हैं गाइज यार सामने वाले रास्ते पे। सो गाइज यहाँ से गेम कंटिन्यू अगले पार्ट में होगी, क्योंकि यार ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो आशा करते हैं गाइज आज की वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी और बहुत ही ज़्यादा फनी होगी। तो यार प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने भाई के यार प्लीज़ यार 2K होने वाले हैं, तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक भी कर देना और अपने दोस्तों को भी गाइज प्लीज़ यार शेयर कर देना। और कमेंट करके जरूर बताना कि गाइज यार आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और अपने भाई को गाइज यार इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, जाके एक बार चेकआउट कर लेना। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए चाचा बाय बाय।